हेलो एंड वेलकम टू न्यूट्रेला फूड तक। मैं हूं आपकी शेफ सगुना। हमारे आज की रेसिपी होने वाली है वेट लॉस रेसिपी। जी हां, आज हम बनाएंगे सोया रागी माल्ट, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इस डिश को आराम से खा सकते हैं। ये खाने में हेल्दी है और बनाने में बहुत आसान है। एक बोल में पहले मैं ऐड कर रही हूँ रागी का आटा, तकरीबन आधा कप मैंने लिया है, और इसके अंदर पानी डाल के इसका एक पेस्ट हमें बनाना है। इसको लगातार स्टर करना है ताकि इसके अंदर लम्स फॉर्म ना हो। तो ये पेस्ट यहाँ बनके तैयार हो चुका है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और उस पानी में बस बॉईल आने ही वाला है। हम इस रागी के पेस्ट को इस बॉइलिंग वाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो ये पानी यहाँ पे बॉईल हो चुका है, और अब हम इस रागी के पेस्ट को इस बॉइलिंग वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। इसे हमें यहाँ पर पकाना है अच्छे से, और इसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं न्यूट्रेला सोया ग्रैनुअल्स का पाउडर। जो सोया ग्रैनुअल्स होते हैं उनको अगर आप मिक्सी में ब्लेंड कर लें तो बहुत ही आसानी से आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। इसको हम ऐड करते हैं इसके अंदर, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी थिक हो जाएगा। और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं गुड़। जैसा कि मैंने बोला कि ये वेट लॉस रेसिपी है, इसलिए हम इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे गुड़, और गुड़ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप। और गुड़ के साथ ही इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। बस लगातार इसको आप स्टर करते रहिए। दूध आप अंदाज से डाल दीजिए जब तक कि ये मिक्सचर जो है वो थिक और ग्लॉसी ना हो जाए। तो बस ये सोया रागी माल्ट यहाँ बनके तैयार है। मिक्सचर काफ़ी थिक और ग्लॉसी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर हम ऐड कर देते हैं। हम इसके अंदर डाल रहे हैं इलायची पाउडर, और बस इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। उसके बाद आप गैस को कर दीजिए बंद, और इसको हम एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। इसको आप पॉरेज का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं तो ये पॉरेज बन जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर फ्रूट्स काट के उसको डाल के भी खा सकते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट से भी कम समय में ये बनके तैयार हो जाएगी। वजन कम करने के लिए आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइए कि आपको ये खाने और बनाने में कैसी लगी। और न्यूट्रेला फूड तक को ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ के लिए लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहिए।